अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। कल हमने पढ़ा था लॉग ऑफ एक्सपोनेंट। लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में हमने दो लॉग पढ़े थे। मैं जरा कल का रिकैप दे दूं। रिकैप लॉग ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ना क्या है? दो लॉग हमने पढ़े थे, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेसेस। पहले लॉ था मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेसेस। एक चीज मैंने बताई थी, मैंने कहा था कोई भी नंबर नीचे हो और एक नंबर ऊपर है, मान ले ए पावर एक्स इस तरह का नंबर है, नजर नहीं आता होगा, ए है ऊपर एन है, ये ए होगा, ए को क्या कहा जाएगा? बेस। ये बेस है, इस लफ्ज के अपने आप को आदि बना लो, और ये ऊपर होगा, इसको एक्सपोनेंट कहेंगे, एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहेंगे, एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहेंगे। जैसे मैं लिखूं 2 के ऊपर 4, तो ये 2 बेस कहलाएगा, 4 क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा, या इसको क्या नाम दे सकते हैं? एक्सपोनेंट नाम दे सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? पावर भी कहते हैं बस, क्या कहेंगे? पावर, जो बेहतर लगे भाई को। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पहले लॉ है उसे हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेसेस कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेसेस क्या होगा? जब दो नंबर ऐसे हो जिनकी बेस सेम हो, बेस क्या हो? सेम। देखो ये दो नंबर मल्टीप्लाई है, मतलब डॉट का मतलब या क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके नीचे बेस सेम है। हमने नीचे वाले को क्या बोला था? बेस। और एक्सपोनेंट या पावर अलग अलग है। तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेसेस ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जब नीचे बेस सेम होगा, जिसका बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगे? एड हो जाएंगे। यही कहता है, बस पावर एक लिखेंगे और बाकी दोनों को प्लस कर देंगे, एक ही पावर लिखेंगे बाकी दोनों को प्लस कर देंगे। ये है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेसेस। एक जैसे देखो 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 3, अब यहां भी बेस 2 है सेम, तो ऊपर वाले पावर या एक्सपोनेंट या क्या होंगे आपस में? प्लस होंगे, 4 प्लस 3 यानी कि 2 का पावर 7। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेसेस की समझ आ गई? जब भी बेस सेम होंगे पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। एक दूसरा है जिसे हम कहते हैं डिवीजन लॉ ऑफ इंडेसेस, इसका नाम दिया जाता है डिवीजन लॉ ऑफ इंडेसेस। डिवीजन मतलब दो नंबर डिवाइड हो गया, लॉ ऑफ इंडेसेस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक नंबर ऐसा है जिसकी बेस एम, बेस ए है, पावर क्या है? एम। एक दूसरा नंबर है, बेस ए है, पावर एम है, लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड। पहले a पावर m और a पावर n ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ध्यान कीजिएगा, a पावर m और a पावर n मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब a पावर m और a पावर n डिवाइड हो रहे हैं। जब a पावर m और a पावर n डिवाइड हो जाए तो उसे हम डिवीजन लॉ ऑफ इंडेसेस कहेंगे। जब a पावर n मल्टीप्लाई हो रहे तो उसे मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेसेस कहेंगे। तो इसमें जब बेस सेम हो, जैसे इन दोनों की बेस a है, बेस सेम हो और दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो उनकी बेस हमेशा उनकी पावर क्या होंगे? माइनस होंगे, उनके पावर माइनस होंगे, एम माइनस एम, क्योंकि जो भी चीज नीचे आती है ऊपर आके माइनस हो जाएगी, एन माइनस एम माइनस एन हो जाएगा। ध्यान कीजिए एम माइनस एन, ये नंबर क्या हो जाएंगे? 3 का पावर 2, अच्छा इस तरह करते हैं देखना, 3 का पावर 7 और 3 का पावर 2, बेस सेम है, दोनों की बेस क्या है? 3 पावर एन, बेस 3, पावर माइनस हो जाएंगे और डिवाइड हो रहे हैं इसलिए ऐड नहीं होंगे, जब डिवाइड हो रहे तो माइनस, मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस, यानी कि 3 लिखेंगे 7 माइनस 3 कर देंगे, यानी कि अगर ये ऐसा होता 3 7 और 3 2 होता तब प्लस कर देते, 1 3 7 प्लस 2 यानी कि 3 9 लिख देते, यहां मल्टीप्लाई हो रहे थे प्लस कर दिया, डिवाइड होंगे तो माइनस,
इसी का नाम मेरे में बोला जाता है, ये यहाँ पे कौन सा ला यूज हुआ है? डिवीजन। हाँ डिवीजन ला, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ला, ठीक है। इस तरह याद रखो, इस तरह याद रखो। तो ये दो ला थे हमारे पास, इनको क्या कहा जाता है? ला ऑफ एक्सपोनेंट। लेकिन इसके अलावा हमारे पास पावर ला ऑफ इंडेक्सेस भी होता है। एक होता है पावर ला ऑफ इंडेक्सेस, इसको भी हम पढ़ते हैं। चले पावर ला ऑफ इंडेक्सेस, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। क्या है पावर ला ऑफ इंडेक्सेस? ला ऑफ इंडेक्सेस मतलब पावर के ऊपर पावर हो। कैसे? जैसे मैं कहूं ए पावर एम है, बाहर एम है, ए पावर एम बाहर एन, एम की पावर में है एन, एम की पावर में एन है, तो ये कैसा हो जाएगा? ए एम मल्टीप्लाई एन हो जाएगा। एम प्लस नहीं होगा, अच्छा ए एम पावर में था, एम किसके पावर में है? ए के। किसके पावर में है? ए के पावर में है। ए के पावर में है तो दूसरा जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा हो, टू थ्री हो बाहर फाइव हो, तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये किस तरह हो जाएगा? ये किस तरह हो जाएगा? टू थ्री मल्टीप्लाई फाइव हो जाएगा ना? यस। थ्री फाइव फिफ्टीन, थ्री फाइव फिफ्टीन यानी कि टू फिफ्टीन हो जाएगा पावर। फर्क करना तीन ही पड़े, फिर से बताओ तीन 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 कौन कौन से पड़े हैं यहाँ बताऊंगा तो आपको समझ आए, ताकि आगे जाते जाए इस साल में याद होता जाए आपको। पहला पड़ा है हमने मल्टीप्लाई हो यानी टू थ्री टू फोर, तो ये क्या हो जाएगा? या टू फोर टू थ्री करें, टू फोर टू थ्री, तो ये होगा फोर प्लस थ्री यानी कि टू सेवन, इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन का। दूसरा पड़ा था टू फोर हो और नीचे टू थ्री हो, डिवाइड हो जाएगा तो टू फोर माइनस थ्री हो जाएगा। तीसरा है टू फोर हो और इसके बाहर थ्री हो, फोर थ्री ट्वेल्व, सही है, टू ट्वेल्व हो जाएगा। ये चीज समझ आएगी नहीं? यस सर। इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव ला ऑफ इंडेक्सेस, डिवीजन ला ऑफ इंडेक्सेस, पावर ला ऑफ इंडेक्सेस, तीन ला पावर ला। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपने समझना है ये कौन सा ला यूज हुआ है, एकदम आपने बताना है। ये मैं चीज फिर से बता रहा हूं, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस, डिवाइड हो रहे तो माइनस, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई, फोर थ्री ट्वेल्व, ये तीन ला हमने पढ़े हैं। चौथा ला है और भी है लेकिन हमने वो करना किस तरह है, एक मिनट सॉरी अलग होगी। अच्छा ये ला भी हमने पढ़ेंगे ताकि आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही आसान। अगर मोर ला ऑफ इंडेक्सेस में क्या करना है, अगर कुछ इसके अलावा भी आ जाए जिनको नाम नहीं दिया जाता है, जैसे टू मल्टीप्लाई थ्री है, बाहर थ्री है, तो ये थ्री जो है अंदर जाके सबके पावर में आ गया, थ्री बाहर है ब्रैकेट के बाहर है, तो ये टू के ऊपर भी थ्री होगा, थ्री के ऊपर भी थ्री आ गया। ये भी अगला है, छोटे छोटे ला है, इनको यूज करना है क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, इनको जब आप यूज करेंगे तो तब समझ आएगा। तो एक और ला है जिसे हम जीरो ला कहते हैं, याद रखिए किसी का भी पावर जीरो हो तो वो वन के बराबर होता है, किसी का भी पावर क्या हो जीरो हो वो वन के बराबर, तो इसे हम कहेंगे जीरो ला, इसको जीरो ला कहते हैं। चले फिर से बता रहा हूं, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे हम अपनी। आज हमने पढ़ा, कंक्लूजन में ले रहा हूं, क्या पढ़ा है? ला ऑफ एक्सपोनेंट, पहला ला है, इसको मल्टीप्लिकेटिव ला ऑफ इंडेक्सेस कहेंगे, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई हो और नीचे सेम हो तो ऊपर वाले प्लस होंगे, ये सारी जिंदगी का मतलब यूज होगी ये चीजें पढ़ेंगे तो प्लस होंगे। जैसे यहाँ हुआ है दो नंबर नीचे नीचे सेम, बेस सेम हो तो पावर अलग है, लेकिन डिवाइड हो रहे हो तो फिर माइनस हो जाएंगे, डिवाइड या माइनस, जब पावर के ऊपर पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, फोर थ्री या थ्री फोर थ्री ट्वेल्व हो जाएगा, तो पावर ट्वेल्व हो जाएगा। फिर एक और ला हमने पढ़ा है, जब बाहर ब्रैकेट से बाहर थ्री होगा तो ये थ्री इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। फिर हमने कहा किसी भी नंबर का पावर जीरो, हंड्रेड का पावर जीरो, वो किसके ऊपर होगा? वन के। तो ये हमने पढ़ा है, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।